कि उनके हाथों का कलर यहाँ से यहाँ तक टैन पड़ जाता है, जो कि दिखने में बहुत ही बेकार लगता है। आपको अपने प्राइवेट पार्ट्स के बाल रेगुलरली क्लीन रखने हैं। क्यों क्लीन रखने हैं, इसके पीछे एक इम्पोर्टेंट रीजन। Hey guys, welcome back to my channel. This is your Siddhant Rao and you're watching All in One Adda. अगर आपने मुझे अभी तक Instagram पे follow नहीं किया है तो Instagram पे follow कर लें, link description में। आज की वीडियो है ग्रूमिंग से रिलेटेड। आज मैं आपको बताऊंगा वो 10 ग्रूमिंग मिस्टेक्स जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है, क्योंकि इससे हमारे लुक्स हो जाते हैं खराब और हमारा ग्रूमिंग का लेवल आ जाता है नीचे। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कुछ टिप्स और हैक्स जो आपके लुक्स को टॉप ऑफ द नॉच बनाएंगी और आपके ग्रूमिंग के लेवल को लेके जाएंगी यहाँ से यहाँ तक। सो कौन सी वो मिस्टेक्स हैं और क्या उसके सॉल्यूशंस हैं, आइए बात करते हैं। सो द नंबर वन ग्रूमिंग मिस्टेक इज अ रॉन्ग हेयर स्टाइल गाइस। जैसे कि आपको पता है कि आपका हेयर स्टाइल आपके चेहरे का सबसे अट्रैक्टिव हिस्सा होता है, और अगर आपका एक अच्छा हेयर स्टाइल है तो ये आपको सबसे ज्यादा हैंडसम, सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव और सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाता है। तो जब भी आप कोई हेयर स्टाइल कराओ तो ध्यान रहे वो आपके फेस शेप के अकॉर्डिंग हो और आपके फेस को सूट करे, और उसे आप हर 3 से 4 हफ्ते बाद सेट कराएं, उसे मेंटेन रखें, और ध्यान रहे कि उसमें किसी भी तरह का डैंड्रफ ना हो। और अगर आपको डैंड्रफ हो रखे हैं तो आप मेरी ये वाली वीडियो जाके देख सकते हो, इसमें मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे आप अपने डैंड्रफ को हटा सकते हैं। और अगर आपको पता नहीं है कि कैसे अपनी फेस शेप को पहचानें और इसके अकॉर्डिंग बेस्ट हेयर स्टाइल कौन से हैं, तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए, मैं आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा। सो गाइस, जो हमारी दूसरी ग्रूमिंग मिस्टेक है जो कि मैंने खासकर गर्मियों में काफ़ी लोगों को देखा है, वो ये है कि उनके हाथों का कलर यहाँ से यहाँ तक टैन पड़ जाता है, जो कि दिखने में बहुत ही बेकार लगता है। तो कैसे आपको अपनी इस टैनिंग को हटाना है, आपको एक सिंपल सी नेचुरल रेमेडी फॉलो करनी है। आपको ये करना है, आपको 2 स्पून दही लेना है, 1/2 स्पून हल्दी लेना है, उसको मिक्स करके उसको अपने हाथों पर लगाना है और 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। और जब वो सूख जाए, उसे अच्छे से वॉश करने के बाद आपको वहाँ पर एक जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर लगाना है, या आलमंड ऑयल या कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हो। और उसके साथ साथ आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे कि आप अपने टैनिंग को आने से रोक सकते हो। सबसे पहली चीज़, आप जब भी बाहर जाओ तो आपको एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम SPF 30 से ऊपर का सनस्क्रीन जरूर लगा के जाना है, और आपको फुल स्लीव वाले कपड़े पहनने हैं। और उसके साथ साथ जब आप नहाने जाओ तो आपको एक लोफे में बॉडी वॉश डाल के उसको अच्छे से अपने हाथों में रब करना है, जिससे कि आपका हाथ अच्छे से स्क्रब हो जाएगा और आपकी टैनिंग जल्दी चली जाएगी। सो द थर्ड ग्रूमिंग मिस्टेक इज़ नॉट मेंटेनिंग योर बियर्ड। गाइज, अगर आपको बियर्ड रखनी है तो आपको उसे टाइम टू टाइम सेट कराना पड़ेगा, उसे मेंटेन रखना पड़ेगा, चाहे आप बड़ी बियर्ड रखो या छोटी बियर्ड रखो। और उसके साथ साथ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी बियर्ड आपके फेस शेप के अकॉर्डिंग हो और आपके फेस को सूट करे। जैसे कि आप मेरी ये वाली पिक देख सकते हो, इसमें मेरी बियर्ड बिल्कुल भी सेट नहीं है, एकदम गंदी और अनटाइडी लग रही है। और अगर आप मेरी ये वाली पिक देखोगे तो इसमें मेरी बियर्ड एकदम सेट है, शार्प लुक है और एकदम मॉइस्चराइज और शाइनी लग रही है। सो जब भी आप बियर्ड रखो तो उसे ट्रिमर या रेजर से सेट जरूर कराओ, उसमें एक अच्छी क्वालिटी का बियर्ड ऑयल लगा के उसे मॉइस्चराइज जरूर रखो, जिससे आपकी बियर्ड एकदम शार्प, स्मूथ और शाइनी लगेगी। सो द फोर्थ ग्रूमिंग मिस्टेक इज योर अनवांटेड हेयर्स। गाइज, आप अपने प्राइवेट पार्ट्स के बाल क्लीन नहीं रखते। आपको अपने प्राइवेट पार्ट्स के बाल रेगुलरली क्लीन रखने हैं। क्यों क्लीन रखने हैं, इसके पीछे एक इंपॉर्टेंट रीजन है, वो ये है कि जब आपके बाल और पसीना एक साथ इकट्ठे होते हैं तो वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन कर देते हैं, जिससे आपके वहाँ पे खुजली होती है, वहाँ पे रैशेज पड़ जाते हैं और वहाँ से गंदी स्मेल भी आती है। सो गाइज, जो सबसे सिंपल और ईजी तरीका है अपने प्राइवेट पार्ट्स के बालों को क्लीन रखना, वो ये है कि आप एक ट्रिमर यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपको वहां पे कभी भी रेजर यूज नहीं करना है, क्योंकि उससे वहां पे कट लग सकता है और रेडनेस हो सकती है। सो द फिफ्थ ग्रूमिंग मिस्टेक इज यूजिंग चीप फेयरनेस क्रीम। गाइज, आपको किसी भी तरह का फेयरनेस जेल, फेयरनेस क्रीम या फेयरनेस ब्लीच अपने चेहरे पे यूज नहीं करना है, क्योंकि ये आपको सिर्फ टेम्परेरी ग्लो और फेयरनेस देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपके चेहरे को बुरी तरह से खराब कर देते हैं और आपके फेस से ग्लो खत्म कर देते हैं। और अगर आपके पिंपल्स या डार्क स्पॉट्स हो रहे हैं तो आप मेरी ये और ये वाली वीडियो देख सकते हो, इसमें मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे आप अपने पिंपल और डार्क स्पॉट्स को हटा सकते हो। सो द सिक्स्थ ग्रूमिंग मिस्टेक इज बैड स्मेल फ्रॉम योर बॉडी। गाइज, जैसे कि आपको पता है कि जब आपको पसीना आता है तो आपकी बॉडी से एक गंदी स्मेल आती है, और अगर आप किसी से मिलने जा रहे हो या किसी मीटिंग में जा रहे हो सकता है सामने वाला या सामने वाली आपकी बॉडी की स्मेल से इरिटेट हो सकते हैं। सो जब भी आप बाहर जाओ तो एक अच्छी क्वालिटी का डिओड्रेंट या परफ्यूम जरूर लगाएं।
सो द सेवेंथ ग्रूमिंग मिस्टेक इज आईब्रो शेपिंग। गाइस मैंने कुछ लोगों को देखा है, उनके आईब्रो के बीच के बाल एकदम जुड़े हुए होते हैं जो कि दिखने में बहुत ही बेकार लगते हैं। गाइस आपको अपने इन बालों को टाइम टू टाइम थ्रेडिंग से क्लीन रखना है, उसे मेंटेन रखना है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रहे कि आपको यहाँ पे कभी भी रेजर यूज नहीं करना है। एट ग्रूमिंग मिस्टेक इज बैड स्मेल फ्रॉम योर माउथ। गाइस अगर आपके मुंह से गंदी स्मेल आती है तो ये आपके आसपास रहने वाले लोगों को बहुत इरिटेट कर सकती है। सो कैसे अपनी स्मेल को हटाएं, आपको दिन में दो बार ब्रश जरूर करना है और आपको एक अच्छे टंग क्लीनर से टंग को अच्छे से क्लीन करना है। और अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो तो आप अपने साथ एक ऑर्बिट या माउथ फ्रेशनर भी रख सकते हो। सो द नाइन्थ ग्रूमिंग मिस्टेक इज स्क्वीजिंग द पिंपल। गाइस आपको अपने पिंपल्स को कभी भी नहीं फोड़ना है, क्योंकि अगर आप उन्हें फोड़ोगे तो वो बार बार आएगा और वहां पे डार्क स्पॉट्स छोड़ जाएगा। सो आपको उसे वैसे ही रहने देना है, वो धीरे धीरे चला जाएगा। सो द लास्ट ग्रूमिंग मिस्टेक इज योर डर्टी नेल्स। गाइज आपको वो गंदे टेढ़े मेढ़े लंबे नाखून बिल्कुल भी नहीं रखने हैं, क्योंकि वो दिखने में बहुत ही गंदे लगते हैं और बिल्कुल अनहाइजीनिक होते हैं। आपको अपने नेल्स हमेशा टाइम टू टाइम कट करने हैं और उन्हें क्लीन रखना है। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो गिव इट अ थम्स अप। और फ्यूचर में ऐसी अमेजिंग ग्रूमिंग वीडियोज के लिए देखते रहिए ऑल इन वन अड्डा।